एक तो ये कि ये शख्स कैसे ये सब कुछ कर लेता है, और दूसरी बात ये कि अगर ये करता है तो इसे इससे मिलता क्या है। आज का शो थोड़ा सा अनयूजुअल है, थोड़ा सा डिफरेंट है। नॉर्मली मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो भी बात कहूं उसके पीछे कुछ सॉलिड ग्राउंड हो। आज मैं ये समझता हूं कि हमारे मुल्क में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन्हें अगर खुदा किसी एक नेमत से नहीं नवाजता तो उससे कहीं ज्यादा नेमतें उनको वो अता करता है। हां, लेकिन उसे देखने के लिए दीदाए बीना चाहिए होती है, वो आंख जो देख सके। आज मेरे मेहमान, एक्चुअली आज के शो में तीन गेस्ट हैं। मेरे ये पहले मेहमान हैं। यहां मैं इनसे कुछ देर बात करूंगा, इनकी कुछ चीजें आपको दिखाऊंगा, और इसके बाद मैं अगले दो मेहमानों को यहां बुलाऊंगा। दे ऑल आर वेरी यंग। आज का ये पूरा शो यूथ का शो है। आपने बनाना, यू नो व्हाट, उन्हें मैं बुला लेता हूं। डॉट के जरिए स्केचिंग करते हैं, वेरी डिफरेंट आर्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर शुजात। कैसे हैं आप शुजात? ठीक है, बिल्कुल खैरियत। पक्का? पक्का सर। कुशल मंगल? बिल्कुल। ऑल द गर्लफ्रेंड्स आर ओके? बिल्कुल। ऑल योर गर्लफ्रेंड्स? या कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? आज तक पाली नहीं। पाली नहीं? ओके। तो ये कब शुरू कब किया, आर्ट कब शुरू किया? ये मैंने 10 साल की उम्र से शुरू किया था। चाय पियेंगे? थैंक यू। पक्की बात है? यस। मैं पी लूं? बिल्कुल। ओके। 10 साल की उम्र से शुरू किया जी। शुरू करने की कोई खास वजह? क्यों, मैंने सोचा मैं इसके अंदर अगर फिट प्रॉब्लम है कुछ कर नहीं सकता, अगर मैं आर्ट की तरफ करूं कुछ कर सकता हूं, क्योंकि इसमें बैठने का काम है टोटल। मैं बैठ के काम करता रहा। सबसे पहले मैंने ऐसे शौकिया लिया, मैंने इसे कर लूंगा, मैं शौक मेरा आगे बढ़ता चला गया। मैं डॉट पर शुरू करा, कुछ मेरे उस्ताद मिले जिन्होंने वर्क कराया कि आप ये वर्क करें, और उन उस्ताद ने मेरे बनाने के बाद वो अपने मुजस्मे तोड़ दिए थे। आपके बनाने के बाद उन्होंने अपने मुजस्मे को तोड़ दिए थे? क्यों? वो इसलिए कि वो कह रहे हैं अब ये काम तुम करो, ये चीज हमने आपको दे दी है। वो मुजस्मे बनाया करते थे जी, और आप? लेकिन आप स्कल्पचर्स तो नहीं बनाते? मैं बनाता नहीं था उनका, आप इसे स्केच करें। अच्छा, मुजस्मों को? इनको स्केच करें जी। ओके, तो जब आपने वो मुजस्मे स्केच किए तो उसके बाद उन्होंने वो मुजस्मे तोड़ दिए। उसके बाद आज तक उन्होंने काम नहीं करा उसके अंदर। क्या नाम उनका? बाकर रजा शमीम कहते हैं उन्हें। बाकर रजा शमीम साहब, वाओ। ये कब की बात है बेटा? जब मैंने स्टार्टिंग की है। ये कब की बात है, मतलब कितने साल पुरानी बात? ये तकरीबन 8 साल पुरानी बात है। 8 साल पुरानी बात जी। ओके, हमारे पास आपके स्केचेस के कुछ नमूने हैं, अगर आप इजाजत दें तो। बिल्कुल इजाजत है। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स सी कि शुजात बनाते क्या। समी, उसे लेके आइए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, ये आपने डॉट्स के जरिए बनाया सब जी? बिल्कुल। ये यूं है? सही है? जी बिल्कुल, यूं ही है ना। जस्ट सी दिस, लेडीज एंड जेंटलमैन। अच्छा, इसमें कलर्स भी आपने भरे? जी, कलर्स में आती है। तो ये किस तरह से कलर्स देते हैं? इसके पहले, सबसे पहले इसका बैकग्राउंड दे दिया, फिर टेक्सचर देने के बाद अपना डॉट स्ट्रक्चर कर देता हूं उस पे। जस्ट ब्रिलियंट, लुक एट दिस, लुक एट दिस, वाह, लुक एट दिस। इट्स अमेजिंग। And look at this. ये बहुत
दिक्कत तलब काम है एंड इट्स वेरी एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग. लुक एट दिस. ओह माय गॉड, आई लव दिस. आई सीरियसली लव दिस वन. बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत. एंड फाइनली लुक एट दिस. Wonderful, wonderful, wonderful. ये क्या है? ये मैंने पीस पे भेजा था, ग्लोबल आर्ट प्रोजेक्ट पे हो रहा था यूएसए में. ओके. प्रोग्राम पीस के ऊपर 9/11 के बाद जो हुआ था. ओके. तो मैंने पाकिस्तान तस्वीरें भेजी कुछ पीस के लिए, तो उसके बाद मुझे मेडल मिला था. पाकिस्तान की तस्वीरें भेजने पे आपको ये मेडल मिला? जी. वाओ. टॉपिक अगर इसे कैप्चर कर सकते हैं आप तो इसको कैप्चर कीजिए. अमन के लिए ये आर्ट की एग्जीबिशन हुई थी और इस अमन की आर्ट एग्जीबिशन में इनको ये मेडल दिया गया. ये आपको क्या मिला था? उसके बाद 2006 में प्रोग्राम आया था पीटीवी पे, पीस के हवाले से जो तस्वीर मैंने भेजी थी वहां पे. फिर मुझे कनाडा से वर्ल्ड पीस रिबन मिला. मैं ये डेफिनेटली दिखाना चाहता हूँ क्योंकि पाकिस्तान टेलीविजन ने, सबसे बड़ी बात यह कि हमारा अपना टेलीविजन है और आज भी मैयार पाकिस्तान टेलीविजन कॉम्प्रोमाइज नहीं करता. वी लव पीटीवी. एट द सेम टोकन ये पीटीवी का अवार्ड है जो इनको मिला है, इसे देख लीजिए. अच्छा टेल मी, आपकी एस्पिरेशंस क्या है, क्या करना चाहते हैं आगे, इस आर्ट में क्या करना चाहते हैं? हम चाहते हैं आर्ट के अंदर तब्दीली लाना चाहता हूँ मैं कुछ अपने फन के जरिए, और बाहर मुल्क तस्वीर भेज के हम ये बताना चाहते हैं उन्हें कि ये हम नहीं हैं. अच्छा ये तो मैं भी जानता हूं कि ये हम नहीं हैं, लेकिन तुम्हारा परसेप्शन हमारे बारे में क्या है? इस आर्ट को मैं जो मैं वर्क कर रहा हूं इसके लिए गैलरी का मेयार चाहिए बुलंद हो, क्योंकि यहां पे जो गैलरियां काम कर रही हैं चौथे सूरज की पूजा करती हैं, जिसमें हम जैसा आर्टिस्टों का नहीं लाते ये लोग, जो बड़ा आर्टिस्ट है उसकी पूजा करते हैं ये लोग. लेडीज एंड जेंटलमैन, बात वही सादा सी, वही सिंपल सी. सपोर्ट करना है तो अपने टैलेंट को करें. सीरियसली ये लोग वो हैं जो पाकिस्तान बनाएंगे. दिस इज द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन. वी विल बी राइट बैक. कोलगेट कमीशन है पाकिस्तान भर में हो. कोलगेट डेंटल हेल्थ मंथ. कोलगेट कमीशन है पाकिस्तान भर में हो जीरो कैविटी. कोलगेट डेंटल हेल्थ मंथ 3 नवंबर से 28 नवंबर तक पाकिस्तान के मुंतखब शहरों में तशरीफ लाएं और डेंटिस्ट के मशवरे, फ्री चेकअप्स और मुफ्त ट्रायल पैक की ऑफर से फायदा उठाएं. कोलगेट डेंटल हेल्थ मंथ. सैंडविच बिस्किट्स. मजा. पीट ड्रीम्स सैंडविच बिस्किट्स, भरपूर मजा हर बाइट का.